ये है स्विंग रिंग, ये राउंड वाला स्विंग रिंग, इसकी मोटर, उसकी लिमिट वहाँ पे होती है। और ये है एनेमोमीटर, ये हवा के टेम्परेचर, और ये हमारा मस्त केबिन, और ये है आपका मास्टर सेक्शन, ये मास पीस कह सकते हैं इसको भी। आते हैं अंदर के साइड में, तो ये है हमारा केबिन। केबिन में इमरजेंसी कहाँ, हमने लिमिट के बारे में आप सभी को बताया है, और वेंट के पार्ट्स के बारे में हमने छोटे छोटे अपडेट आप सभी को दे दिए हैं, लेकिन बड़े अपडेट आप सभी को दे देते हैं। Hi guys, welcome back to my channel, another new video. तो guys, कैसे हो आप सभी लोग? और आज इन्फॉर्मेशन जो होने वाला है क्रेन के पार्ट्स से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो क्रेन के किस किस पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है वो सारी तमाम तरह की जानकारी देंगे। और मैं हूँ इस वक्त क्रेन पे, हमारे क्रेन पे आपको वाइब देखने को मिल रहा होगा किस तरीके की नज़ारे हैं। मौसम बारिशों वाली है, यानी कि रात भर पूरी बारिश हुई है, कल की रात भर बारिश हुई है, और इस वक्त हम हैं क्रेन पे, काम तो करना ही पड़ेगा बारिश जब नहीं है। तो पहले मौसम दिखाते हैं कैसा है यहाँ पे। भाई मौसम देख सकते हो किस तरीके का एकदम करके रखा है, और इस साइड में ऐसा लग रहा है भाई बारिश हो रहा है, इस साइड में देखने को लग रहा है बारिश हो रहा है, हालांकि हो रहा होगा या फिर नहीं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी क्रेन है, यहाँ पे देख सकते हो लंबा सा, इस साइड में बहुत लंबी सी है और हाइट करके रखा है। और भाई मौसम अमेजिंग क्या है, तो हम आपको दिखाते हैं आगे से नज़ारे, किसे क्या क्या कहा जाता है। तो हम आगे आ चुके हैं ना, तो सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा ये है बूम, यानी कि इसे हम जीप भी कह सकते हैं, सामने में मोटर और ट्रॉली का ड्रम भी कह सकते हो, ठीक है। और सामने में ये जो बूम है, और इसे टायरड भी कितने लोग कहते हैं, और इसे एक रोड भी कहा जाता है इंग्लिश में, उसको मैं नाम भूल गया यार, मुझे याद था मैं भूल गया। और ये जो वायर रोप्स है जिसमें कि देखने को मिल रहा है, ट्रॉली का जो रहता है वो 8 mm के आसपास में रहता है, ट्रॉली का वायर रोप 8 mm के आसपास, और 12 से 14 mm के आसपास मेरा होस्टिंग का रोप रहता है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये वाला रोप है। और चलो हम आप सभी को यहाँ पे ड्रम में दिखाते हैं, यहाँ पे होता है ये रहा, तो ये रोप है हमारा, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये 14 से लेकर 16 mm के अंदर में ही रहता है, तो ज़्यादातर 14 mm का ही होता है। और ये भाई गियर ऑयल इसी में डालाता है, और गियर बॉक्स इस साइड में होगा, वो रहा इस साइड में जिसकी लिमिट लगती है। यहाँ पे मोटर होता है, लाइनर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेक का भी सिस्टम होता है। और हम इस साइड में देखते हैं तो वो पत्थर वाली चीज़ें जो दिख रही है, ये आप सभी को पता चलना चाहिए, ये कॉन्ट्रावेट है, पत्थर को कहा जाता है। और यहाँ पे देखते हो लाइटिंग एरेस्टर जो हमने आप सभी को बताया था, जो बिजली के झटके जो ये कंट्रोल करती है, जो ज़मीन पे डाल देती है। भाई ये है स्विंग रिंग, ये राउंड वाला स्विंग रिंग, इसकी मोटर, उसकी लिमिट वहाँ पे होती है। और ये है एनेमोमीटर, ये हवा के टेम्परेचर, और ये है हमारा मस्त केबिन, और ये साइड में प्लेटफॉर्म कहा जाता है। हम इस साइड में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वांटर जीप, यानी कि पीछे साइड का जीप भी कहते हैं इसे। तो ये सारी चीज़ें हम चलते हैं केबिन में, वहाँ से सारी तमाम तरह की जानकारियाँ देते हैं आप सभी। तो हम आप सभी को एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये वाले पिन, इसे फिक्सिंग पिन कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को फिक्स करते हैं। और साथ ही साथ ये स्विंग रिंग का दांता है जो राउंड राउंड घूमता है, उसे रिंग बोलते हैं। और ये है आपका मास्टर सेक्शन, ये मास पीस कह सकते हैं इसको भी, और टर्निंग टेबल भी इसे हम कह सकते हैं, ये वाली चीज़ों को, ये यहाँ तक ज्वाइंट है, टर्निंग टेबल कह सकते हैं जो कि टर्न करता है चारों तरफ। और भाई यहाँ पे अपना एसी का ब्रांड का वो लोगो रहता है हमेशा से। और हम आते हैं अंदर के साइड में, तो ये हमारा केबिन। केबिन में इमरजेंसी कहाँ होता है, इमरजेंसी यहाँ पे भी होता है, और इस साइड में बाकी का सिस्टम है। यहाँ पे एक MCB रहती है, अगर उसे हम गिरा देते हैं तो ज़्यादा मतलब क्रेन काम नहीं करेगा भाई, तो ऐसा होता है। और यहाँ पे सारे सिस्टम्स वगैरह भी रहते हैं, अगर हम सामने देखते हैं तो ये हमारा क्रेन सामने से दिखता है। हमने लिमिट के बारे में आप सभी को बताया है, और वेंट के पार्ट्स के बारे में हमने छोटे छोटे अपडेट आप सभी को दे दिए हैं, लेकिन बड़े अपडेट आप सभी को दे देते हैं। ये सामने में देखने को मिल रहा होगा, इसे हम ट्रॉली कहते हैं, ये है ट्रॉली, और ये गोल गोल सा आपको दिख रहा है, ट्रॉली का पुली है वो, तो पुली आप सभी से ध्यान देने की जरूरत करना, जिसमें कि कुछ लोग बोलते हैं नायलन का होता है, तो कुछ लोग लोखंड का बोलते हैं, तो दोनों टाइप के होते हैं, हमने देखा है व्हाइट वाला है वो नायलन ऐसा कुछ बताते हैं। और जो दूसरा ट्रॉली है वो वहां पे है, उसे हम ट्रॉली कहते हैं, उसमें भी पुली वगैरह भी है, और उसका जो हुक है, ये सामने में हुक देखने को मिल रहा होगा,
हम क्रेन में थोड़ा नजदीक से दिखा देते हैं आप सभी को। ये ब्लॉक हुक कह सकते हैं इसे हम। ये जो हुक है उसमें भी पुली है और साथ ही साथ हुक है और ब्लॉक उसका, ये चारों साइड का ये ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो वो है हुक और फिर वहां पे भी पिन सारे लगे हुए हैं। तो ये कुछ गिने चुने पार्ट्स के नाम है जो हमने आप सभी को बताया दिया। और यहाँ पे इसके चक्के लगे हुए हैं। इसके चक्के को भाई रोलर कहते हैं, शायद से कंफर्म नहीं हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, रोलर ही बोलते होंगे। तो वो इसके रोलर है जो कि वो घुमा घुमा कर आगे की ओर लेके जाता है ट्रॉली को। हालांकि ये वाला वर्क नहीं करता है, इसे इसलिए खोल दिया गया है क्योंकि ये 4 फॉल में कन्वर्ट था, तो ये उस पुली से ज्वाइंट में था। 2 फॉल हुआ तो इसे छोड़ दिया गया है, वो अलग हो गया है, वो 2 फॉल का सिस्टम लग चुका है। हमने आप सभी को बताया था क्रेन का लास्ट छेड़े में यहाँ पे ये क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहता है लोगों का। तो वहां पे रहता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि उसे हम बोलते हैं क्या है यार, मैं थोड़ा जरा भूल जाता हूँ कभी कभी, क्या होता है कि जबान पे नहीं आते हैं। तो उसे हम एंट्री ट्विस्ट बोलते हैं। जो रोप होता है हमारा, होस्टिंग का रोप है, वो घूमता रहता है, ठीक है। तो वो यानी कि चारों साइड में मतलब मूव करता रहता है, ऐसा ऐसा करेगा और राउंड राउंड घूमेगा। राउंड राउंड घूमने का मतलब कि वो अगर घूम रहा है तो मतलब रोप सही है, अगर नहीं घूमेगा तो वो रोप अचानक से टूट जाएगा और जो भी लोड रहेगा वो नीचे गिर जाएगा। तो एंटी ट्विस्ट का ये काम रहता है। और उसके लास्ट में भी एक पुली रहता है, वहां पे भी बांधा रहता है। हमें सारे की सारी ऑयलिंग करनी पड़ती है, लगभग 3-4 जगह पे पुली रहते हैं जो मतलब सॉरी छोटा छोटा पुली रहता है जो रोप को मतलब आगे पीछे घुमाने में मदद देता है। जैसे कि ये पुली है, इसमें हम ऑयल वगैरह करते हैं तो ये वर्क बराबर से करेगी, अगर ऑयल वगैरह नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। मोटर के साथ यहाँ पैनल हमने आप सभी को दिखाया नहीं, ये पैनल बोर्ड है व्हाइट, ये वाला ये पैनल बोर्ड है जिसमें कि हमारा सारा क्रेन का कंट्रोलर है भाई, सारा का सारा कंट्रोलर है। और हमने आप सभी को देखा दिया कि यहाँ पे गियर ऑयल डाला जाता है ये वाले बॉक्स में, और वहां पे नापने का मशीन सिस्टम है, तो वहां पे देख सकते हो, तो आप सभी को पता चल जाएगा कितने उसमें ऑयल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं आप सभी को क्या दिखा दूं, यहाँ पे सारे टूल बॉक्स वगैरह रहते हैं जिसमें कि मतलब जितने तरह के सलाई पाना होते हैं वो सारी चीजें आप सभी को इसी में देखने को मिलेगी, तमाम तरह की। इसमें कुछ रस्सियां वगैरह हैं ताकि कोई सा भी काम आ जाए, केबल रस्सी और भी कई सारी एक्सेसरीज है जो देखने को मिलती है। हमारा 2 लीवर होता है, एक यहाँ पे एक लीवर होता है, एक यहाँ पे लीवर होता है, इमरजेंसी अलार्म है, वोल्टेज है, और यहाँ पे ब्रेक है, स्विंग का ब्रेक लगाता है। यानी कि क्रेन जो मूव होता है, जैसे मान लेते हैं इस साइड में बिल्डिंग है, अगर हमारा क्रेन अगर रिलीज रहता है, अगर यहाँ पे स्लीव लिखा हुआ है, अगर ऐसा है तो क्रेन रुका है अपनी जगह पे, कभी भी ये क्रेन घूमेगा नहीं, हवा रहेगा तो वो ऐसा ऐसा मूव करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे रहेगा, हवा लगेगा तो वो जाके बिल्डिंग में टकरा जाएगा, जो कि इस साइड में बिल्डिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तो हाइट होने को जा रहा है, फिर भी टच हो जाएगा, लेकिन नीचे रहेगा तो वो जाके लड़क जाना है। तो 5034 अपना मॉडल नंबर है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 5034 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रेन है भाई, बहुत सारे लोग का मानना है कि ये क्रेन उतनी अच्छी नहीं होती, हालांकि मुझे तो ठीक लगा अब तक का इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि हल्की क्रेन है भाई, हिलती है, मूवमेंट करती है, अच्छा है। तो ये वर्क बहुत अच्छा करती है, जिसकी वजह से बोला जाए तो ये अगर स्विंग पे भी रहेगा ना तो ये मूव नहीं करेगा, यानी कि ये यहीं पे रहेगा, ऑटोमेटिक लॉक रहता है इसका, 5034 का ऑटोमेटिक लॉक रहता है। तो ऐसा होता है। तो हम क्रेन को बताते हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है। ये स्विच पे है, इसे हम घुमाते हैं, क्रेन स्टार्ट हो चुका है, हम ट्रॉली आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आउट कर सिस्टम दबाया है, 1 नंबर में लेते हैं तो वो 1 नंबर में मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें सारे पार्ट्स के मतलब समझ में आ गया होगा। इसे हम लीवर ही कहते हैं, लीवर ये कहते हैं, लीवर बॉक्स कहते हैं, ये लीवर है, इसका लीवर बॉक्स बोलते हैं। यहाँ हम बैठे हैं, ये कुर्सी है, सामने में कांच है, बाकी की सारी एक्सेसरीज आपको सब कुछ दिख गया होगा। बताने से कुछ बच गया होगा तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को तो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।